आगे बढ़ते हैं। मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण कर रहे हैं किशनबाग वानिकी परियोजना का। निरीक्षण करते हुए तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाते हैं शांति धारीवाल की। किशनबाग वानिकी परियोजना का निरीक्षण करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। अधिकारियों के साथ में चर्चा, इस पूरे परियोजना पर लगातार उनकी नजर भी है। वो जानकारी वहाँ पर ले रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में, जो वहाँ पर मौजूद हैं लोग वो भी ब्रीफ कर रहे हैं। सुनिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं शांति धारीवाल, अभी कितनी देर वहाँ पर रुकेंगे? हेक्टर लंबा पूरा क्षेत्र है जिसका मंत्री शांति धारीवाल अभी निरीक्षण कर रहे हैं। ये जो उसमें कंसेप्ट लिया गया है कि अगर आपको रेगिस्तान देखना है, रेगिस्तान का वातावरण देखना है कि वहाँ वनस्पति कैसी होती है, किस तरह का माहौल होता है, तो इसके लिए आपको जैसलमेर बाढ़ में जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर में ही ये पूरा 64 हेक्टेयर एरिया डेवलप किया गया है और प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है किशन बाग जयपुर के दोहरे। इसी प्रोजेक्ट का मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण कर रहे हैं। ये जो पूरा वॉकवे बनाया गया है, उस पूरे वॉकवे में अभी चल रहे हैं और एक एक चीज समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके अलग अलग पार्ट है। जैसे एक पार्ट है जिसका मंत्री शांति धारीवाल अभी निरीक्षण कर रहे हैं, वो है चट्टानों का। यहाँ ये बताया गया है कि चट्टानों का ओरिजिन किस तरह से हुआ है, कौन सी चट्टान कहाँ पाई जाती है, ये दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पे जीवाश्म के मॉडल दिखाए गए हैं। साथ में दिखाया गया है कि चट्टानों पे किस तरह से ये उगती है, चट्टानों पे किस तरह से वनस्पति उगती है, और जो है बहुकोशिकीय जीव है उनका प्रदर्शन किया गया। मतलब यहाँ पर फोटो साइनेज के माध्यम से हर चीज जो है समझाई गई है और एक पूरा जो है मरुस्थल यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की गई है। इवन यहाँ पर जो रेगिस्तान में जो जिस प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, वही प्रजाति के करीब 7000 पौधे यहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा रेगिस्तान में जिस तरह की घास होती है, सेवन घास होती है, या विभिन्न प्रजातियों की जो घास होती है, वो घास भी यहाँ पर लगाई गई है। इसका काम साल भर पहले पूरा हो गया था, लेकिन जो ये पूरा माहौल है वो अब जाके डेवलप हो पाया है। और मंत्री शांति धारीवाल इसलिए निरीक्षण कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माध्यम से यहाँ पर इसका लोकार्पण किया जाना है, तो एक तैयारी के तौर पर इसका निरीक्षण किया जा रहा है। और ये जो पूरा इलाका है स्वर्ण जयंती पार्क के नाम से पहले जाना को, अब जो है इस पूरे 64 हेक्टेयर इलाके को एक जो जयपुर के दौरे मतलब रेगिस्तान अगर और इसमें बड़ी बात कि पूरे भारत में संभव जो है पहला ऐसा ये पार्क है जिसको रेतीले टीबों को जो है पार्क के तौर क्या क्या है। एक्सपर्ट है जिन्होंने इसको डेवलप किया, उनका ये भी दावा है कि दुनिया में भी शायद संभवतः ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां पर रेतीले टीबों को इस तरह से एक मरुस्थल पार्क के तौर पर डेवलप किया गया। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज है और जो शोधार्थी हैं या स्कूली विद्यार्थी उनके लिए ये यहाँ पर ज्ञान परक जानकारी भी उपलब्ध है। और यहाँ पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लोकार्पण कर देंगे तो इसके बाद जो है इसमें लोग आ सकेंगे और 50 रुपए प्रति व्यक्ति यहाँ पर टिकट लगेगा। और यहाँ पर बताया गया, जैसे यहाँ पर चट्टानों के बारे में बताया गया है, जैसे यहाँ पर एक चट्टान बताई गई है आपूर्ण चूना पत्थर से बने बर्तन दही जमाने के लिए मशहूर है। मतलब जो हम घरों में दही जमाते हैं वो जो बर्तन होता है वो जो चूना पत्थर से बना होता है, तो चूना पत्थर की चट्टान आखिर क्या है उस तक की जानकारी भी यहाँ पर आप दी गई है। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि चट्टान कैसे बनी है, इसके बारे में बताया गया कि जो नील हरित शैवाल चटाई नुमा बस्तियां बनाकर कौन सा कुछ पैदा करती है जिससे पानी में मौजूद अवसादी तत्व चिपक जाते हैं और इस तरह से चट्टान बनती है। तो यहाँ पे चट्टानों का महत्व बताया गया है विभिन्न प्रकार की, और विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है उनके बारे में बताया गया है। जैसा ये बताया गया है कि उदयपुर के नजदीक, जैसे एक साइनेज में बताया गया है कि उदयपुर के नजदीक झामरकोटा नामक गांव से लाए गए थे ये स्ट्रेमोलाइट, तो उनका प्रदर्शन भी यहां पर किया गया है। वहां इन्हें फॉस्फेट उर्वरक के तौर पर खनन होता है। 1978 में कुछ गांव वालों ने बताया कि इनके इलाके में विचित्र मगरमच्छ भाटा है, अब तक इनकी खबर किसी को नहीं थी और ये समझने में कुछ साल और लगे कि ये विभिन्न चट्टानें 110 करोड़ साल पुरानी स्ट्रेमोलाइट, मतलब 110 करोड़ साल पुरानी जो स्ट्रेमोलाइट है उसका भी यहाँ प्रदर्शन किया गया और बताया गया कि किस तरह से बनी है। तो दीपा आप देख सकते हैं किस तरह से जो है विस्तृत जानकारी हर प्रकार के
जो है माहौल की हर प्रकार के यहाँ उपलब्ध कराया गया है और हर प्रकार की जानकारी यहाँ पर लोगों को मिल पाएगी और देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी ये संभवतया इस तरीके का एकमात्र पार्क हो सकता है ऐसा भी कहा जा रहा है। अभिषेक, कब तक आम लोग यहाँ पर जा पाएंगे, लोकार्पण कब तक करेंगे सीएम अशोक गहलोत, क्या जानकारी है? देखिए, संभावना ये जल्द से जल्द लोकार्पण का है, इसलिए मुख्यमंत्री ये जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज इसका दौरा कर रहे हैं क्योंकि वो दौरा करने के बाद सीएम अशोक गहलोत तक फीडबैक पहुंचाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा और लोकार्पण के बाद जो जयपुर के लोगों को ये सौगात मिलेगी उनको अपने जयपुर में ही जो है रेगिस्तान के दर्शन होंगे कि रेगिस्तान कैसा होता है, मरुस्थल कैसा होता है, वहाँ पे वनस्पति कैसी होती है। इवन यहाँ पर जो है अब जैसे यहाँ पर जो वनस्पति पूरे डेवलप हुई है, सब जगह इस तरह का माहौल है, तो यहाँ पर जो रेगिस्तान में जिस तरह के जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं वो जीव जंतु और पक्षी का प्राकृतिक वास भी यहाँ धीरे धीरे डेवलप होने लगा है, तो एक पूरा जो है मरुस्थल का नजारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा जब ये शुरू हो जाएगा। और ये इलाका ऐसा भी है कि जो तीन तरफ से आबादी से घिरा हुआ है, इससे लगती हुई कच्ची बस्ती है, तो इसका जो कंसेप्ट था इस पार्क का उसके पीछे ये भी उद्देश्य था कि ये जो जेडी की जमीन है, जो रेतीले टीपों की लंबी चौड़ी जमीन है, इसको अतिक्रमण से बचाया जा सके क्योंकि कच्ची बस्ती जो लगती भी है उस कच्ची बस्ती का लगातार यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ रहा था, तो उस अतिक्रमण की भी सुरक्षा की गई है, चारों तरफ फेंसिंग की गई है ताकि यह जमीन सुरक्षित रहे और एक इकोसिस्टम यहाँ पर, एक जो रेगिस्तान का इकोसिस्टम है यहाँ पर जिस तरह से उसको डेवलप किया गया है, रेतीले टीपे हैं, पहाड़ है और जो वॉकवे भी दीपा यहाँ बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है, वो एलिवेटेड बनाया गया है ताकि जो जमीन के जीव जंतु या जो वनस्पति है वो खराब नहीं हो, तो पूरा इको सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें घूम के आप जो है मरुस्थल के माहौल का आनंद ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और कितने पूरे एरिया में ये फैला हुआ है अभिषेक पार्क और काम अभी तक कितना पूरा हो पाया है, क्योंकि कम से कम ये अंदाजा लगा पाएंगे आम दर्शक भी कि जिस हिसाब से काम पूरा हो रहा होगा कि उसी हिसाब से जल्द उनको सौगात भी इसकी मिलेगी, वो जा पाएंगे घूमने फिरने के लिए, कितना काम अभी तक हो पाया? और मैंने आपको बताया कि ये 11 करोड़ रुपए की लागत से बना है और उसका काम पिछले साल ही संभवतः अधिकतर काम पूरा हो चुका है और अब जाके पूरी तरह से अपना रूप ले पाया है जो मरुस्थल का रूप है। और अब जो है यहाँ पर जो जेडीए है इसका मेंटेनेंस भी होगा और इसका मेंटेनेंस के लिए जेडीए ने जो जोधपुर का जो राव जोधा पार्क है उस राव जोधा पार्क का जो सोसाइटी मेंटेन करती है उसी सोसाइटी को यहाँ पर ये जेडीए ने वर्क ऑर्डर दिया यहाँ के मेंटेनेंस का। ये जो सोसाइटी है ये 3 साल यहाँ मेंटेनेंस करेगी क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस वर्क बहुत है, जो चीजें हैं उनको किस तरह से प्रिजर्व रखा जाए, तो मेंटेनेंस के का भी दे दिया है। मेंटेनेंस जो है 3 साल का होगा, 2 करोड़ 75 लाख रुपए में ये मेंटेनेंस दिया गया है। जो कम जो सोसाइटी है वही यहाँ से पे जो है स्टाफ लगाएगी, जो टिकटिंग है वो व्यवस्था वो संभालेगी, यहाँ का साथ संभाल करेगी, तो लोकार्पण के बाद से ही यहाँ पर ये काम मेंटेनेंस का और जो यहाँ के ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और लोग जो है यहाँ पे आ सकेंगे और टिकट तो लगेगा और इसमें 50 रुपए टिकट भले ही एक व्यक्ति का लगेगा लेकिन इसमें ये भी तय किया गया है कोई भी स्कूली विद्यार्थी है अगर वो स्कूल के ट्रिप में आते हैं तो उनका प्रवेश पूरी तरह से फ्री रखा गया है, उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये जो जानकारी यहाँ पे जो उपलब्ध कराई गई है वो विद्यार्थियों के लिए और उस फैकल्टी के जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी, तो उस लिहाज से जो स्कूली विद्यार्थी है उनके लिए इसको जो प्रवेश है वो निःशुल्क रखा गया है और अपने आप में ये बड़ी सौगात है जयपुर के लोगों के लिए कि उनको जो है इस आबादी से घिरे माहौल में, मतलब उनको कहीं बहुत दूर जंगल जाने की जरूरत नहीं है, जयपुर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनको आबादी के बीच में एक रेगिस्तान का स्वरूप दिखाई देगा। दीपा बिल्कुल, और इसीलिए पूरा ये मेंटेनेंस का काम अब बस रह गया है, बाकी पार्क का काम पूरा हो चुका है जैसे कि अभिषेक जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक पूरी जानकारी के लिए, आप लगातार नज़र बनाए रखिएगा। अभी भी वहीं पर मौजूद हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, वो अधिकारियों से जानकारी भी वहाँ पर ले रहे हैं पूरे पार्क के बारे में। और स्कूली बच्चों के लिए एक अच्छी बात अभिषेक ने बताई कि स्कूली बच्चे अगर ट्रिप में यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए प्रवेश निःशुल्क होगा, बाकी जो लोग भी जाएंगे पर्यटक हो आम लोग हो अगर घूमने फिरने के लिए पार्क जाते हैं तो उनको 50 रुपये देने होंगे टिकट के लिए और उसके बाद फिर वो अंदर घूम सकते हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अपने आप में ये अलग पार्क होगा, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी जो अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में भी ये अपनी तरह का पहला पार्क हो सकता है। अब पूरा काम इसका हो चुका है, बस मेंटेनेंस का काम बचा हुआ है, ये इसकी क्या खासियत है, कैसे यहाँ पर लोग जो आएंगे उनको तमाम चीज़ें एक साथ मिलेंगी, इसके बारे में भी जानकारी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जितनी भी परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं वो गंभीर होकर के हर जानकारी लेते हैं, बारीकी से समझते हैं, ये उनकी खासियत भी है।
अब ये जो पार्क है इस पर ख़ास तौर से भी उनकी नज़र बनी हुई है, वो मॉनिटरिंग भी इसको लेकर खुद कर रहे थे, अधिकारियों से लगातार वो जानकारी भी वैसे ले रहे थे। अब चूँकि वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं पार्क और अधिकारी उनको जानकारी दे रहे हैं वहाँ के हर एक चीज़ के बारे में।